हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में है। हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड की ग्रामर सीख रहे हैं। ग्रामर में चैप्टर 14 सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग पिछले वीडियो पर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का पार्ट 1 सीखा था। आज हम लोग पार्ट 2 सीखने वाले हैं। पेज नंबर होगा 65। तो आप देख ही पा रहे हो, ये सब हम लोग कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और आप बुक में भी कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम लोग 65 पेज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 65-2 में क्या लिखा है, हेडिंग पर करेक्ट दिस सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस को हम लोग सही करके लिखने वाले हैं। नंबर 1 में क्या लिखा है, यू टेल्स लाइस। तो यू टेल्स लाइस ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था। पहले क्या सीख लिया था हम लोगों ने पहले सीख लिया था क्या, आई एंड यू के साथ हमेशा वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही होता है। तो यू टेल लाइस ये होगा, नहीं होगा। तो इसका आंसर मैं एक नोटबुक में लिख कर दिया, तो आप देख सकते हो नोटबुक में क्या होगा इसका आंसर, यू टेल लाइस। ओके, तो आपकी बुक में भी लिखने का जगह है नहीं, तो आपके पास जो ग्रामर का नोटबुक है, आप उसमें ये 65 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन आंसर है, जो बुक में लिखने का जगह नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में लिखोगे। हमेशा आपको याद रखना है, इंग्लिश का नोटबुक में नहीं लिखना है, आप इंग्लिश 2 मतलब ग्रामर जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रामर के नोटबुक पर ही आपको ये आंसर लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, गर्ल्स प्लेस विथ डॉल। गर्ल्स बोल रहा है तो इसमें क्या होगा, प्ले होगा, नहीं ना, क्योंकि गर्ल्स बोल रहा है मतलब एक से ज़्यादा। तो इसके आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, गर्ल्स प्ले हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा क्या, प्ले, प्ले विथ डॉल्स। ठीक है, गर्ल्स डॉल लेकर खेल रहा है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, प्लेस के नीचे अंडरलाइन था, तो गर्ल से मतलब एक से ज़्यादा हो गया, तो प्ले क्या हो जाएगा, प्लेस क्या हो जाएगा, प्ले, गर्ल्स प्ले विथ डॉल्स, गर्ल्स डॉल्स लेकर खेल रही है। क्वेश्चन नंबर 3, आई लिव्स इन मॉडर्न टाउन, मैं मॉडर्न टाउन पे रहती हूँ। तो आई, जैसे मैं आपको कह रही बार बार बोल रही हूँ, जितना बार आई और यू आ रहा है, तो आई एंड यू के साथ हमेशा वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है। तो आई लिव क्या हो, लिव्स क्या हो जाएगा, आई लिव इन मॉडर्न टाउन, मैं मॉडर्न टाउन में रहती हूँ। चलो हम लोग देख लेते हैं, देखा आई लिव, लिव्स हो गया, लिव एल आई वी ई, लिव। ओके, आपको ये अच्छे से ध्यान रखनी है, आई लिव इन मॉडर्न टाउन। ओके, आप भी मेरे जैसा ही नोटबुक में लिखोगे। चाहे आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, क्वेश्चन का नीचे भी आंसर लिख सकते हो, आप चाहो सिर्फ आंसर भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन का नीचे आंसर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मून साइन एट नाइट। मून बोल रहा है, मून तो एक ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मून साइंस एट नाइट। ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, एस एच आई एन ई एस, मून, द मून साइंस एट नाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रेन प्लेस विथ टॉयज। चिल्ड्रेन बोल रहा है मतलब एक से ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन प्ले विथ टॉयज, चिल्ड्रेन बच्चे, सब बच्चे टॉयज लेकर खेल रहा है, तो प्लेस हो जाएगा प्ले। ओके, 5 नंबर, अब अच्छे से देखो नोट पर, चिल्ड्रेन प्लेस हो जाएगा प्ले, चिल्ड्रेन प्ले विथ टॉयज, चिल्ड्रेन टॉयज लेकर खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो अच्छे से क्वेश्चन नंबर 6, वी कम टू हिज पार्क डेली। हम लोग पार्क में डेली आते हैं, तो एक हम लोग बोल रहा है मतलब एक से ज़्यादा, वही बोल रहा है मतलब एक से ज़्यादा, तो कम्स क्या हो जाएगा, कम, सी ओ एम ई, वी कम टू दिस पार्क, टू दिस पार्क डेली, हम लोग हर रोज़ पार्क में आते हैं। ओके,
तो स्टूडेंट्स आपको ये नोटबुक में लिख लेना है, ओके। बुक में जगह है नहीं, इसीलिए हम लोग नोटबुक में लिख लेंगे, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पर क्या है पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं, ओके। अभी स्टूडेंट्स आपको पेज चेंज करना है, पेज नंबर हो जाएगा 66। पेज नंबर 66 पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, रीड आइट ईच सेंटेंस विद द प्लूरल सब्जेक्ट। जो सेंटेंस दिया गया है ये सेंटेंस को हम लोग प्लूरल फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, ही गोज टू स्कूल बाय बस। वो ही मतलब कोई एक ही जन बोल रहा है, ही गोज टू स्कूल बाय बस। वो स्कूल बस में जाती है, बस में चढ़कर जाती है, तो ही है। तो प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, दे, ओके। दे इसीलिए क्या लिखा है, दे। और गो क्या, गोस क्या हो जाएगा, गो। ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। दे गो टू स्कूल बाय बस, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2, माय कजिन टॉक्स इन इंग्लिश। मेरा कजिन मतलब स्टूडेंट्स सबको पता होगा, कज़िन मतलब मामा का लड़का हो सकता है, अंकल का लड़का हो सकता है, मौसी का लड़का लड़की हो सकता है, ओके। माय कज़िन टॉक्स इन इंग्लिश, मेरा कज़िन इंग्लिश में बात करते हैं। तो हम लोग प्लूरल फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, माय कज़िन्स। देखो कज़िन हो गया कज़िन्स, लास्ट में एक एस लगा दिया, ठीक है, एक से ज़्यादा। माय कज़िन टॉक्स हो जाए, हो गया क्या, टॉक। माई कजिन्स टॉक इन इंग्लिश, मेरा कजिन्स जो है इंग्लिश में बात करते, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, दिस गर्ल सिंग स्वीट सॉन्ग। वो गर्ल अच्छे मधुर गाना गाती है। तो दिस क्या हो जाएगा, दिस, टी एच ई एस ई, गर्ल हो जाएगा गर्ल्स, सिंग्स हो जाएगा सिंग, स्वीट सॉन्ग्स, ओके। ये आपको आज से सुनना है और देखना भी है। हम लोग पेज नंबर 65 पर ये लेकर डिस्कस कर लिया था, क्यों हो रहा है, प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखना है, सिंगुलर फॉर्म में। अभी 66 पेज नंबर पे भी हम लोग जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर हम लिख रहे हैं। और स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आंसर आपको बुक में ही लिखना है, बुक में जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स में ही लिखना है आपको, इस ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस फ्लावर ग्रोज इन इंग्लैंड, ठीक है। तो दिस क्या हो जाएगा, दिस, टी एच ई ए सी, फ्लावर हो जाएगा फ्लावर्स। प्लूरल फॉर्म में हम लोग जब लिखने वाले हैं फ्लावर हो जाएगा फ्लावर्स। ग्रोज, ग्रोज क्या हो जाएगा, ग्रो, जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रो इन इंग्लैंड, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या लिखना है, क्या लिखा है क्वेश्चन पर, सिंगुलर फॉर्म में क्या लिखा है, दी शॉप ओपन एट 8 o'clock। ये शॉप 8 बजे ओपन होता है, खुलता है, ये जो शॉप है 8 बजे खुलता है। तो ये सेंटेंस को हम लोग प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस हो जाएगा दिस, टी एच ई ए सी, दिस, शॉप हो जाएगा शॉप्स, एक से ज़्यादा हो जाएगा, ओपन्स हो जाएगा ओपन, ओ पी ई एन, एट 8 o'clock, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, सी प्लेज टेनिस इन द इवनिंग। सी है कोई एक ही जोन बोल रहा है, जब सिंगुलर फॉर्म में है ये सेंटेंस, अभी प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दे, प्लेस हो जाएगा प्ले, टेनिस इन द इवनिंग, शाम को टाइम पे टेनिस खेल, दे मतलब हम लोग, वो लोग शाम को टाइम पे टेनिस खेल रहा है, ओके। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, 4 में लिखा है रीराइट इस सेंटेंस विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे हम लोग प्लूरल फॉर्म में लिखा, ऐसे ही हम लोग सिंगुलर फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है।
ऊपर क्वेश्चन में प्लूरल फॉर्म दिया रहेगा, हम लोग सिंगुलर फॉर्म में लिखने वाले हैं सेंटेंस को, ठीक है। माय ब्रदर लिव इन कनाडा, मेरा भाई लोग कनाडा में रहते हैं। माय ब्रदर्स हो जाएगा ब्रदर, माय ब्रदर लिव हो जाएगा लिव्स, ओके, इन कनाडा, ओके। टू नंबर, माय पेरेंट्स गिव मी मनी, मेरा पेरेंट्स मतलब मामी पापा ही होता है। माई पेरेंट्स गिफ्ट मी मनी मतलब मेरा पेरेंट्स मुझे मनी गिफ्ट किया है, ठीक है। तो ये सिंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स, मम्मी भी लिख सकते हो, इसमें बुक में तो मदर लिखा है, इसमें फादर भी हो सकता है, माई मम्मा मदर फादर कुछ भी हो सकते हैं, माई मदर फादर, लेकिन बुक में मदर है तो हम लोगों को मदर ही लिखना है। माई मदर गिफ्ट गिव हो जाएगा गिव्स, ओके, मी मनी, ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री, दे गो फॉर ए वॉक डेली, तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, हम लोग सिंगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दे हो जाएगा सी, अब इसमें सी भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हो, ठीक है। गो हो जाएगा गोस, ठीक है, फॉर ए वॉक डेली, वो हर रोज, डेली मतलब हर रोज, वो हर रोज पैदल चले जाता है, और इधर सी है मतलब क्या हो जाएगा, वो हर रोज पैदल चले जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर, द गार्डनर्स वाटर द प्लांट्स, गार्डनर प्लांट्स में पानी दे रहा है, तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो ये सेंटेंस को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द गार्डनर, गार्डनर्स हो जाएगा द गार्डनर, वाटर हो जाएगा वाटर्स द प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, दिस बॉयज मेक ए नॉइस इन द क्लास, दिस बॉयज मतलब दिस बॉयज एक से ज़्यादा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, दिस बॉयज मेक ए नॉइस इन द क्लास मतलब सभी बच्चे क्लास के अंदर नॉइस मतलब शरारती करना, क्लास के अंदर शरारती कर रहा है, तो दिस हो जाएगा दिस, टी एच आई एस, बॉय हो जाए, बॉयस हो जाएगा बॉय, मेक हो जाएगा मेक्स, नॉइस इन द क्लास, ओके। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 14 चैप्टर समझ में आ गया, मैं आशा रखती हूँ आपको 14 चैप्टर सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब जो है ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके लिख सकते हो आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आ रहा है, ओके। तो आप वीडियो अच्छे से देखो, आपके बुक्स में आप कंप्लीट करके रखो। थैंक यू।